तो टेक्निकल प्रति के सूचना का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। पोको ब्रांड ना बहुत ही अभी एक्टिव हो गया है, अभी बहुत जल्दी से फोन लॉन्च कर रहे हैं। अभी मैं अगर मैं बात करूं तो अभी कुछ महीने पहले हम लोग देखने को मिला था पोको का M2 जो कि 11,000 के अंदर एक तो बहुत ही अच्छा फोन था। मीडियाटेक का G80 के साथ मिल रहा था, उसके साथ साथ आपको 6GB रैम वेरियंट मिल रहा था 11,000 में। और एक पोको का फोन लिस्ट हो गया फ्लिपकार्ट में, लैंडिंग पेज भी आ गया है, जो कि है पोको C3 जो कि 6 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या स्पेसिफिकेशन रहेगा इसमें और इसका प्राइसिंग क्या रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो जो फोन लॉन्च होगा पोको का C3, दोस्तों पोको के जितने सारे फोन होते हैं थोड़ा रीब्रांडेड करते हैं Xiaomi से, जैसे कि Redmi 9 Prime आ गया पोको M2 नाम लेके। तो 100% कंफर्म है ये जो आएगा पोको C3 ये भी एक तो रीब्रांडेड फोन रहेगा, जो कि रहेगा Redmi का 9C। ये एक तो ग्लोबल में लॉन्च होता है Redmi 9C, उसका रीब्रांडेड होकर पोको आ रहा है पोको का C3 नाम लेके। बात करते हैं स्पेसिफिकेशन का, तो अगर मैं बात करूं डिजाइन का, तो बैक डिजाइन आपको पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक मिल जाएगा, मैट टाइप का फिनिशिंग देखने को मिल जाएगा। फ्रंट साइड का अगर मैं बात करूं आपको इधर 6.5 इंच का एक तो HD+ वाला डिस्प्ले मिलेगा, फुल HD नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तों ये एक तो बजट सीरीज फोन है तो इसलिए इसमें फुल HD नहीं मिलेगा। उसके साथ आपको इधर वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाएगा। रैम रोम का अगर मैं बात करूं तो आपको इधर 3GB रैम 32GB स्टोरेज मिलेगा और एक तो 4GB रैम 64GB स्टोरेज मिलेगा। 3GB जो 32GB बेस वेरिएंट रहेगा, इसलिए मेरे को लग रहा है क्योंकि जो ग्लोबल में उसमें आपको 3GB लॉन्च नहीं हुआ था, लेकिन वो इंडिया को पोको सीरीज आ रहा है इसलिए थोड़ा रैम वेरिएंट थोड़ा अप डाउन हो रहा है। क्योंकि अगर आपको पता होगा Redmi 9 Prime 10,000 में हम लोग को दे रहा था 4GB रैम, लेकिन 11,000 में हम लोग को पोको 6GB रैम दे रहा था, तो इसमें भी कुछ गड़बड़ कर देगा पोको। तो अगर मैं बात करूं सिम स्लॉट का, इधर आपको टिपर स्लॉट स्लॉट मिल जाएगा, इधर आपको दो सिम कार्ड उसके साथ साथ मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। इधर आपको EMMC स्टोरेज मिलेगा, लेकिन स्टोरेज टाइप का अगर मैं बात करूं जो जैसे कि कॉपी और मूव करते हैं तो इसमें आपको LPDDR4X वाला मिलेगा, जो कि अच्छी बात है। देन बात करते हैं परफॉर्मेंस का, तो परफॉर्मेंस मेन चीज है फोन का। इधर आपको MediaTek का Helio G35 वाला प्रोसेसर मिलेगा, जैसे कि हम लोग को पता है जो G35 प्रोसेसर है एक बजट फोन के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, क्योंकि हम लोग मार्केट में बहुत सारे फोन अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि Redmi का भी खुद का एक फोन है, उसके साथ साथ Realme का भी बहुत सारे फोन देखने को मिलता है। 12nm पर बेस्ट है, ठीक ठाक है, आप कैजुअल गेम खेल सकते हैं। देन बात करते हैं कैमरा का, इधर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, इधर आपको क्वाड नहीं दे रहा है। प्राइमरी अगर मैं बात करूं आपको इधर 13MP का प्राइमरी मिलेगा, 2MP का मैक्रो मिलेगा और एक तो 2MP का डेप्थ मिलेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग का अगर मैं बात करूं आपको इधर 1080p मैक्स 30fps तक शूटिंग कर सकते हैं। देन बात करता हूँ फ्रंट कैमरा का, इधर आपको 5MP का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको इधर पैनोरामा मोड या फिर बैक में तो पैनोरामा मोड मिलेगा, उसके फ्रंट में आपको जैसे पोर्ट्रेट वगैरह मिलता है सब मिल जाएगा। देन बात करते हैं सॉफ्टवेयर का, तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको इधर एंड्रॉइड 10 मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको इधर MIUI 12 मिल जाएगा जो कि ठीक ठाक है। जैसे Redmi का 9 है एक तो फोन आया था, जब आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 12 आया था, तो ये भी फोन पोको का आएगा MIUI 12। अगर मैं बात करूं बैक साइड का, आपको इधर रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको इधर 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाएगा। बैटरी का अगर मैं बात करूं आपको इधर 5000mAh का बैटरी मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको इधर माइक्रो USB पोर्ट रहेगा, इधर आपको टाइप सी नहीं देगा और इधर आपको 10W चार्जर बॉक्स में दे देगा, इधर आपको फास्ट चार्जिंग इंप्लीमेंट नहीं किया है। अगर मैं बात करूं चार्जिंग का कितना टाइम लगेगा, इधर आपको 3 आवर्स लग जाएगा 5000mAh का बैटरी चार्ज करने के लिए, क्योंकि इधर अगर ये दे देता 18W तो ठीक होता, ठीक है बजट कैटेगरी का फोन है तो इसलिए 10W चल जाएगा। देन बात करते हैं जो मैं आपको बता दिया डिटेल स्पेसिफिकेशन क्या क्या इसमें होने वाला है, डिस्प्ले बता दिया, बैटरी बता दिया, परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर बता दिया। देन अगर मैं बात करूँ बेसिकली अगर मैं बात करूँ ये फोन ये कॉपीकैट आप बोल सकते हैं Redmi 9C, जो कि Redmi लॉन्च नहीं किया Redmi 9C लेके, ये आ गया Redmi 9C, जैसे Redmi 9i आया ये तो आ गया पोको का C3। प्राइसिंग अगर मैं बात करूं तो बेसिकली प्राइसिंग रहेगा 7500 बेस वेरिएंट रहेगा, क्योंकि चाइना में भी जो लॉन्च हुआ था या फिर ग्लोबल मार्केट में जो लॉन्च हुआ था Redmi 9C वही 8000 या फिर 7500 के अंदर लॉन्च हुआ था। अगर मैं बात करूं इंडिया को प्राइसिंग कन्वर्ट करके मैं बात करूं तो आपको इधर 7500 या फिर 8000 का ही फोन देखने को मिल जाएगा। बेस वेरिएंट तो उसमें मिलेगा, उसके बाद 6GB आ सकता है, तो मतलब लॉन्च जब होगा मेरे को लग रहा है 3GB 4GB लॉन्च होगा, देन आपको 6GB आगे देखने को मिल जाएगा। पोको का कुछ ठीक नहीं है, जैसे कि पोको का M2 में स्टार्टिंग से आपको इधर 6GB रैम वेरिएंट देखने को मिल गया। अगर मैं बात करूं कलर वेरिएंट का, इधर आपको ब्लैक कलर मिल जाएगा और एक ऑरेंज कलर मिल जाएगा, और आपका जैसे जानते हैं आपको फ्लिपकार्ट में देखे होंगे इधर आपको 6 अक्टूबर की फोन लॉन्च होने वाला है। जब ये लॉन्च हो जाएगा मैं एक तो स्पेसिफिक वीडियो बना के आपको बता दूंगा या वैल्यू फॉर मनी है आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। तो बस ये था आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना, उसी के साथ बोल रही है।